ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम समझेंगे कि अगस्त 2023 मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है। तो सबसे पहले आइए हम ट्रांजिट देखते हैं, इस पूरे महीने ट्रांजिट किस तरीके का हो रहा है। 7 अगस्त को जो शुक्र देवता हैं वो कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये वक्री हो गए थे इसलिए थोड़ा डिले चल रहा है और अब ये कर्क में प्रवेश करेंगे। 17 को सूर्य की संक्रांति होगी, सूर्य स्वराशि पहुंच जाएंगे, अपने ही घर सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। इसके अगले दिन 18 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा 24 तारीख एक ऐसा डेट पड़ रहा है जहाँ पर बुध देवता वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में, तो इसका आपके लगन पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको समझना है। देखिए इस महीने क्योंकि अधिक मास चल रहा है, भोलेनाथ की असीम कृपा हम सब पर बरस रही है, तो भोलेनाथ की कृपा के कारण जो है आपको पता है कि प्रत्येक सावन के महीने में महादेव लाइव सेशन का आयोजन किया जाता है और इसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना चाहिए। वहाँ पर आपको अपडेट हमेशा मिलता रहेगा और साथ में व्रत त्यौहार किस समय क्या क्या होते हैं वो भी सारा आपको इंस्टाग्राम पेज पर एकदम से मिलता जाएगा, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके लव रोमांस की स्थिति क्या रहेगी, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आपका प्रेम प्रसंग, जीवन साथी का सहयोग, नौकरी व्यवसाय, किसी प्रकार की कोई कष्ट तो नहीं होने वाले हैं, और अंत में उपाय को भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए इस महीने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा महीना होने वाला है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो हैं थोड़ी कमज़ोर पड़ते हुए इस पूरे महीने में देख पा रहा हूँ। जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर की परेशानी है, डायबिटिक है, उनको थोड़ी सी परेशानी ज़रूर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ। और बाहर खाने वाली चीज़ें, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है और कई प्रकार की इन्फेक्शन डिसीजेज बढ़ने की समस्याएं हो जाती हैं, तो बाहर का तला भुना कुछ भी खाने से आपको बचना चाहिए, नहीं तो आपकी समस्या यहाँ पर बढ़ सकती है। मन में चल रही किसी भी प्रकार की परेशानियों को अपने परिवार के साथ आपको साझा ज़रूर कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा महीने के अंत में मानसिक रूप से परेशानी उत्पन्न हो जाएगी अगर आप साझा नहीं करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मानसिक रूप से कोई परेशानी ना हो तो अपने विचारों को अपने परिवार के लोगों के साथ आपको ज़रूर वार्तालाप करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप थोड़ा फ्रेश भी महसूस करेंगे और विचारों का समावेश भी होगा। अब हम बात करते हैं पारिवारिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। देखिए परिवार के सदस्यों पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप घर के बड़े हैं तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी इस पूरे महीने में देख पा रहा हूँ। परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य के खराब होने से पूरे घर में परेशानियों का वातावरण हो सकता है, लोग परेशान हो सकते हैं। परिवार का कोई सदस्य घर से दूर रहता है तो ये भी ऐसा बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उनका आना घर की तरफ बन जाए, जो कि एक अच्छी बात है कि घर पे आएंगे मिलेंगे, ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी दिख रही हैं। घर में कहा जाए तो खुशी का माहौल भी लगभग बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। महीने का जो मध्य रहेगा वो पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से उत्तम रहता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सदस्य जो पारिवारिक सदस्य हैं उनके स्वास्थ्य में सुधार अंत तक आपको ज़रूर दिखाई देगा और धार्मिक कार्यक्रम में आप सम्मिलित भी हो सकते हैं। परिवार का माहौल जो है थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएगा। अगले पॉइंट की बात करें, शिक्षा और करियर की स्थिति कैसी इस पर में बन रही है।
देखिए, स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी वर्गों का पढ़ाई में मन थोड़ा अच्छा लगेगा, मन थोड़ा कुशाग्र रहेगा और भविष्य में कोई नई योजना भी आप यहाँ पर बना सकते हैं। लेकिन जो उच्च शिक्षा के लिए ग्रहण कर रहे हैं, जो भी कॉलेज स्तर पर पढ़ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थी वर्गों के लिए इस समय बड़ों का मार्गदर्शन लेना ज़रूरी है। बड़ों के मार्गदर्शन से आपको भविष्य में जो भी लक्ष्य निर्धारित करेंगे उस लक्ष्य की पूर्ति होने में सहायता मिलेगी। विशेष रूप से ऐसे लोग जो कि कमज़ोर हैं थोड़ा पढ़ाई में, उनको ज़रूर जाकर अपने अध्यापकों से बात करना चाहिए। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पूरा महीना अच्छा रहेगा। सफलता के योग भी यहाँ पर गोचर में बन रहे हैं, जो भविष्य के लिए आपके लिए पॉजिटिव रहने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपका नौकरी व्यवसाय की स्थिति इस समय कैसे रहने वाली है। देखिए, सरकारी नौकरी कर रहे जातकों के लिए यह महीना थोड़ा भागदौड़ रहेगा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा रह सकता है और वर्कलोड जो रहेगा वो ज़्यादा बढ़ने के कारण थोड़ी तनाव की स्थिति भी यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है। मन काम में ना लगकर लोगों के प्रति दया भाव उत्पन्न होने लगेगा और इस महीने व्यापार में घाटा भी हो सकता है। काम होते होते आपको लगेगा 90% हो गया, लेकिन वो रुक जाएगा जिससे कि मन में निराशा आएगी। व्यापार में के समझौते करने से पहले, नया एग्रीमेंट करने से पहले आपको पूरे बातों को समझना चाहिए, तभी साइन करना चाहिए, नहीं तो भविष्य में दिक्कत होगा और व्यापार में घाटा और ज़्यादा बढ़ने की संभावना हो सकती है। अब हम अगले पॉइंट की बात करेंगे, आपका लव रोमांस कैसा बीतने वाला है इस पूरे महीने। देखिए, इस समय लव रोमांस के लिए जीवन साथी के साथ आपकी जो रुचि है थोड़ी कमज़ोर होते हुए दिख रही है, लेकिन आपको आपका जो जीवन साथी आपको भली बात ही समझने का प्रयास करेंगे और यदि आप अपने जीवन साथी आपसे दूर रहते हैं तो आपको उनकी चिंता भी थोड़ी सी लगी रहने वाली है। अहंकार को अपने ऊपर हावी बिल्कुल ना होने दीजिएगा। दाम्पत्य जीवन में एडजस्टमेंट करके चलना होगा, अगर नहीं चलेंगे तो परेशानी बढ़ेगी, इसलिए एडजस्ट होकर चलने में थोड़ी कमी मुझे दिखाई दे रही है और कोई भी निर्णय बहुत जल्दीबाजी में आपको नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं आर्थिक स्थिति कैसा रहने वाला है मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र से धन का जो लाभ होगा वो पूरा स्पष्ट रूप से चार्ट में दिखाई दे रहा है। आप धन कमाने और बचाने में, मतलब धन को कमाने और बचाने में आप पूरा प्रयास करेंगे, जिसमें आप सफल भी हो पाएंगे। महीने के मध्य में शेयर सट्टा लॉटरी से लाभ मिलने की स्थिति भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पैसा बचाने के कई अवसर प्राप्त होंगे और व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो धन लाभ होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ेगी। व्यापार में कुछ नए अवसर आपको प्राप्त होने की संभावना है और विदेश जाकर पैसा कमाने के भी आपके चार्ट में अच्छे संकेत मिल रहे हैं मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। कुल मिला जुला कर कहा जाए तो आर्थिक स्थिति के लिए यह महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का द्वादशाक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। हो सके तो ओम बुद्धाय नमः का आप जाप कर लीजिए, साथ में गौ माता को हरे रंग की पालक, हरा चारा या मूंग खिला सकते हैं। ऐसा करने से जो भी निगेटिविटी इस पूरे महीने रहेगी वो एटलीस्ट कम हो जाएगी। तो ये था अगस्त 2023 का मासिक राशिफल मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।